कमेटी ने किया हो, गांव ने किया हो, तो आप बताओ मुझे किसी ने ज्यादा प्रयास किया हो। हम ये चाहते हैं कि सरकार सीधे तरीके से मान जाए। अगर सरकार सीधे तरीके से नहीं मानेगी तो आपकी कमेटी जो फैसले लेगी, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ उसके ऊपर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। कमजोरी हमारी रगों में नहीं है, कमजोरी हमारी रगों में नहीं है। पहले संतलाल जी की शहादत हुई, आज वेद प्रकाश जी की शहादत होगी। और जो सुसाइड नोट छोड़ा है, कानून ये कहता है, क्या वकील भी बैठे हैं, कानून ये कहता है सुसाइड नोट के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और 33 में शामिल होना चाहिए। वही कानून डीसी के लिए है, वही कानून रवि आजाद के लिए है, वही कानून डीआरओ के लिए है और वही कानून कानूनगो के लिए है। अपनी पगड़ी को ठोकर मार के हमें कुछ भी मंजूर नहीं है और ना आज तक हमने कभी मंजूर किया सम्मान के साथ खिलवाड़ करके। पहला काम है कि जो शहीद वेद प्रकाश कटारिया जी ने अपना सुसाइड नोट छोड़ा है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर आपका नाम और हमारा नाम सुसाइड नोट में आ जाए तो इतनी बार लगती क्या बताओ मुकदमा दर्ज होने में? क्या इस देश में दो कानून चलेंगे? वही कानून डीसी के लिए है और वही कानून हमारे लिए है। ये पूरे परिवार की मांग है, गांव की मांग है, आप सबकी मांग है कि पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि डीसी भगवान नहीं है, डीसी दोषी है यहाँ पे, और दोषी से बात करेंगे तो हम उससे बड़े दोषी। अधिकारी जो है डीसी पंचायत में अपने विचार रख रहे हैं, किसी को सहमति हो ठीक है, नहीं तो कमेटी जो फैसला करेगी हम उसके ऊपर फूल चढ़ाने के लिए तैयार। लेकिन डीसी फाइनल अथॉरिटी नहीं है, डीसी के ऊपर भी अधिकारी है। पिछले दिनों सिरसा में आंदोलन चला 700 करोड़ रुपए का, आज वहां बीमा क्लेम डल रहा है किसानों के खाते में, नेशनल हाईवे जाम करना पड़ा 23 घंटे तक, डीसी से बातचीत नहीं बनी, सरकार ने दूसरे अधिकारी की ड्यूटी लगाई, हिसार से भेजा बात करने के लिए कि ये बातचीत करेंगे। क्यों भाई, भिवाणी पाकिस्तान में है क्या, या भिवाणी में पहली बार आंदोलन हो रहा है? डीसी जो खुद दोषी है, दोषी से क्या बात करोगे आप? हमारी राय है, बाकी आपको जो ठीक लगे, गांव के लोगों को कमेटी को ठीक लगे वो करो। तीसरी बात साथियों, जब संतलाल जी की शहादत हुई 17 अगस्त 2022 को, उस समय जो प्रशासन के साथ वार्ता हुई उसमें विकास भाई भी शामिल थे, मैं भी था, ओम प्रकाश कोमरेल जी भी उसमें शामिल थे, आप भी उसमें शामिल थे। कितने कंपनसेशन, कितने लाख रुपए की बात हुई थी? 12 लाख रुपए की। कितने लाख रुपए मिले वो दीपक यहाँ बैठा है? 6 लाख रुपए। नौकरी मिली क्या भाई? पहले मुकदमा दर्ज करो, फिर इस लड़के की नौकरी दो, संतलाल के लड़के की, और 6 लाख रुपए दो। डीसी एडीसी था नरवाल, ये तो मैं गांव की ढिलाई मानता हूं, ये दीपक और हम कह कह के थक गए। एडीसी ने जिम्मेवारी ली थी, मैं दूंगा 6 लाख रुपए। अगर ना जिम्मेवारी ली हो, गांव की कमेटी फौजी साहब बैठे हैं, हम स्पेशल एडीसी से मिलने आए, 6 लाख रुपए मेरी जिम्मेदारी, ट्रांसफर कहीं हो जाओ। पानीपत चला गया एडीसी, ट्रांसफर होके मैंने फोन पर बात करी, 6 लाख रुपए दे दो नरवाल साहब, नहीं तो हमें लेने आते हैं इसी एडीसी ऑफिस के आगे, पानीपत के आगे आकर के हम धरना देंगे, हम खुद आकर के बैठेंगे। वो गांव की कमजोरी रही, नहीं मिले अब तक। लेकिन आज 4 दिन से डेड बॉडी रखी है हॉस्पिटल में, प्रशासन कह रहा है डेड बॉडी तब देंगे जब अंतिम संस्कार करोगे। इस देश में लोकतंत्र है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये बात प्रशासन बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ ले। 6 लाख रुपए और एक नौकरी और मुकदमा दर्ज होना चाहिए डीसी के खिलाफ, डीआरओ के खिलाफ और कानूनगो के खिलाफ। अगला मुद्दा आता है साथियों, गांव की जो तमाम मांगे हैं 57 फ्लैटों का, कागजों का, उस समय बातचीत हुई, हर महीने मीटिंग होगी, उस वार्ता में हमारे साथ धोखा हुआ।
हमने प्रशासन के ऊपर भरोसा किया, लेकिन ना कंपनसेशन पूरा मिला, ना नौकरी मिली, ना जो गांव की मांगे थी उनके ऊपर काम हुआ। आज जो है या तो ये तय कर लो कि भाई हमें तो जो है जल्दी है इसको निपटाने की, जल्दी है तो भाई इसको रफा दफा करो। बहुत तरीके हैं रफा दफा करने के। अगर हमारी रगों में खून बह रहा है, आप शहीदों के गांव रोहनाथ से हो जिसको पूरा देश जानता है, सरकार से आपको आपके साथ कितना भी अत्याचार करे, लेकिन आज भी आपके गांव के नाम से आप कहीं भी नाम लोगे, आपके गांव का सम्मान है आज भी पूरे देश में और पूरे हरियाणा में। और उस क्रांतिकारी गांव के लोग डीसी के आगे हाथ जोड़ेंगे, कंडीशन लगाएगा प्रशासन की ये बात करोगे तो ये बात होगी। ये बिल्कुल गलत है साथियों। ये शहीद वेद प्रकाश जी की आत्मा के साथ हम जो है कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। एक एक बात उन्होंने लिखी है। अधिकारियों ने क्या कहा, तुम मुर्गे खाते हो, यहाँ बैठ करके तुम शराब पीते हो, तुम जो है मुर्खों की बात आई, यहाँ पे जो है ये 1 लाख रुपए मांगे गए कागजों के लिए, चक्कर कटवाए जाए, मई से धरना चल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साथियों हम भी आपके साथ हैं और सब आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हो, अपने आप को अकेला मत समझो। गांव जब पूरी ताकत अपनी दिखाएगा, दुनिया की कोई ताकत हमें आंदोलन जीतने से रोक नहीं सकती। और हम जो उन्होंने सुसाइड नोट में मरता आदमी कब मरता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई आदमी फंदे पर झूलता है और उसके बाद जो सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, हमें उसके साथ न्याय करने की जरूरत है। और रही बात, कोई भीख नहीं मांग रहे, वेद प्रकाश जी ने शहादत दी है, वो आंदोलनकारी थे। 5 लाख रुपए हम कोई डेड बॉडी की जो है कीमत नहीं लगा रहे। बात होनी चाहिए सम्मानजनक तरीके से, पूरा मुआवजा और 2 नौकरी। और जो गांव की मांगे, उस समय बड़ी बड़ी बात की गई थी, हर महीने मीटिंग होगी, हर महीने मीटिंग होगी। और मेरी गांव वालों को अपील है, कमजोरी मत दिखाओ रोहनाथ के। आप गांव में 100 राजनीति होगी, आपके गांवों को तैयार करना और मनाना आपका काम है। अपने गांवों को खड़ा करो, आपका गांव खड़ा होगा तो गुहांड और पूरा जिला और पूरा हरियाणा आपके साथ खड़ा होगा। रोहनाथ में आपने देखा भी है कि लोगों ने कैसे आपका साथ दिया, खापों ने कैसे आपका साथ दिया, संगठनों ने कैसे आपका साथ दिया। कमजोरी दिखाने की जरूरत नहीं। मेरी अंत में सबको यही अपील है कि हम आपके साथ हैं, हम गांव के साथ हैं, वेद प्रकाश जी और संतलाल जी के परिवार के साथ हैं। हमें ना कोई बातचीत में शामिल होने का शौक, ना कोई कमेटी में जाने का शौक। हम चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, उनको सबसे श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए। उसके लिए आप हमारी जो ड्यूटी लगाओगे, आप जहां भी हमें खड़ा करोगे, हम आपको खड़े मिलेंगे। किसी को डरने की जरूरत नहीं। कोई मुकदमों के नाम से डरा रहा है, कोई कुछ डरा रहा है, कुछ जो है वो प्रशासन और सरकार के लोग आंदोलनों में एक्टिव हो जाते हैं, वो कमेटी के लोगों को डराते हैं, FIR कर देंगे, ये कर देंगे। हम यहाँ कह रहे DC के यहाँ सेक्रेटरीट के सामने कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करना है तो सबसे पहले हमारे ऊपर करो, 2 दर्जन पहले से दर्ज है, गिरफ्तार करके डालो जेल में, देखते हैं तुम्हारी ताकत कितनी है। लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मेरी सबको यही अपील और प्रार्थना, इस आंदोलन को मजबूती के साथ चलाओ और अपने गांव को इस आंदोलन के साथ खड़ा करो। हम पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, आगे भी आपके साथ रहेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाएगा। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के एक एक नौजवान और बुजुर्ग से, मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि कमजोरी मत दिखाओ। हम कब तक लाशें ढोते रहेंगे अपने बुजुर्गों की, हम कब तक सड़कों के ऊपर लड़ते रहेंगे, कब तक मुकदमे झेलते रहेंगे, कब तक? देश को आजाद हुए 75 साल होगी, ये गांव आज तक गुलाम है, आज तक इस गांव में तिरंगा नहीं फहराया जाता। मुख्यमंत्री आते 23 मार्च 2018 को आकर के मुख्यमंत्री गांव की भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं, झूठ बोल करके जाते हैं। एक बार हाथ उठा करके बता दो, जो मुख्यमंत्री बोल के गए थे एक भी अगर काम हुआ हो तो हाथ उठा करके बताओ, सारे बताओ, एक बार एक भी काम हुआ हो तो।
और भाई मुख्यमंत्री तो मिलने का कोई शौक नहीं किसी को। हम रोज आंदोलनों में रहते हैं, रोज कमेटियों में रहते हैं, रोज बातचीत में रहते हैं। ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री आएगा पहले हफ्ते में। हमने बेरावड़े नंबर भी कॉन्फिडेंस मिलने का जो मीटिंग में तय किया जाता है, नंबर भी कौन पड़ा भाई। कोई मुख्यमंत्री तो हमने बताओ क्या रिश्तेदारी काटनी है मनोहरलाल खट्टर से? हमने अपने भाईचारे के लिए लड़ना है, कोई मुख्यमंत्री से मिलने का शौक नहीं है। हम तो तैयार है मजबूती के साथ, और आप भी हौसले के साथ लड़ाई लड़ो। सो पिछली आंदोलन में गलतियां रही है, उन गलतियों को इस आंदोलन में हम ना होने दें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी वेद प्रकाश जी को और संतलाल जी को। कब तक जो है आप डेड बॉडी उठाते रहोगे? दो लोगों की जान जा चुकी है, गांव की मांग एक भी पूरी नहीं हुई है। एक बार लड़ लो सारे इकट्ठे होकर के। आपस में किसी की वोट पे विवाद हो सकता है, किसी और बात पे विवाद हो सकता है, एक बार सारे इकट्ठे मिलकर लड़ लो। और भाई हम भी आ जाओगे गांव में, और गुआंडवल जाना होगा उड़े भी जाओगे, दूसरे गांव में जाना होगा वहां भी जाओगे, भिवानी के गांव में जाना होगा वहां भी जाएंगे। और भाई हम भी काम का आगा हाथ पास जोड़ लेंगे, हम भी तैयार हैं इस बात के लिए। लेकिन हमें गांव का न्याय चाहिए, और इन शहीदों की आत्मा की शांति के लिए हम बगैर सम्मान के साथ, मेरा सुझाव है कि हमें कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। प्रशासन को बातचीत करनी होगी, माइक पड़े आके दे दो, न्योता कौन देगा? अधिकारी आप इतने क्यों तैयार हो रहे हैं? हाँ कि भाई बातचीत कर लो, क्या काम अटक रहे अपना? हमारा काम ही जो है, हम कोई सरकार बनाने के लिए घूम रहे, आंदोलन करना काम है, यही बैठे और यही बैठेंगे। जब आप जिम्मेवारी लगाओगे तो रात को 24 घंटे हम भी अपना बोरिया बिस्तर यही लगा करके रखेंगे, और जब तक आंदोलन जीत नहीं जाएंगे इस जगह को छोड़ करके नहीं जाएंगे। आप सबने मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद। और पुनः एक क्रांतिकारी जो हमारे प्रधान है वेद प्रकाश जी, उनके चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और फिर मेरी आप सबको यही अपील और प्रार्थना है कि भाई सारे रण मिलके इस आंदोलन को चला लो और इसको आगे बढ़ा लो। घड़ी अपन सीप बगान की जरूरत को नहीं है, क्योंकि दोस्ती वो है हम नहीं है। हमारी मांग जायज है, शोषण वो कर रहे हैं, सरकार और प्रशासन कर रही है, झुकेंगे वो, हम नहीं झुकेंगे और पूरा सम्मान लेंगे भाई। 5-5 लाख रुपए की बोली लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एहसान नहीं कर रहा प्रशासन और सरकार। बातचीत सम्मान के साथ होनी चाहिए, कंडीशनल बातचीत नहीं करनी चाहिए। आप सबने मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद। और भाई रोष भी है, गुस्सा भी है, कोई ऐसा शब्द मेरे मुंह से निकल गया हो, किसी को ठेस पहुंची हो, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ सबसे। सबका धन्यवाद, सबको जय किसान।